आइसक्रीम में खाने वाला जो सर वेनिला का फ्लेवर होता है, वो वेनिला फ्लेवर की खेती कैसे होती है? बिल्कुल, आपने जो बोला कि आइसक्रीम में जो खाए जाने वाला वेनिला फ्लेवर होता है, वो एक्चुअल में केमिकल नहीं होता है, वो एक पौधा होता है जिससे उसकी फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका फिर आइसक्रीम में उसका उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इसकी जो खेती है काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि अगर इसका महत्व देखा जाए तो केसर के बाद जो है इसका दूसरी ये सबसे महंगी फसल में आती है, जिससे किसान जो काफ़ी मात्रा में मतलब इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए जो है सामान्य तापमान जो है इसके खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए तापमान, जो हमारे ये कोसी रीजन में इसके लिए पर्याप्त, खास करके पूर्णिया जिला में ये है, तो इसका एक प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्रयोग करने से किसान जो है इसे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। इस पैनिला में कि कई खेती अगर कोई करना चाहे तो कैसे करना होगा, उसे क्या कुछ तरीका है और कैसा इसका फसल होता है? देखिए, ये लतेदार पौधा होता है और इसकी जो फल जो होता है ये आपका बीन्स बीन्स के आकार का होता है, बीन्स उसका थोड़ा बड़ा आकार में हरा कलर का। इसको खेती करने के लिए जो है इसका तापमान जो है आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और सामान्य पीएच पे इसको ग्रो किया जा सकता है, मतलब 6.5 से 7.5 मान पे इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी जो है हमारी भुरभुरी मिट्टी हो, जो कि यहाँ पे सारा इसका फेवरेबल है। इसको खेत में लगाने के लिए जो है एक गड्ढा करते हैं, कि गड्ढा करके उसमें इसके लतर पे जो है 80 से 120 सेंटीमीटर की लंबा जो है लतर को काट के, और जिसमें कि 6 से 8 नोट्स हो और 1 मीटर की डायमीटर वाला जो तना इसका लेते हैं उसको हम लोग मिट्टी में दबा के, और जैसे हम लोग हल्दी वगैरह जो करते हैं इस टाइप से करके उसको मिट्टी चढ़ाते हैं, और इसके ये 8 से 10 महीने में जो है फसल पक के तैयार हो जाता है। और इसके लतर को जो है सहारा देने की जरूरत पड़ता है, ये बांस बांस के जैसे हम लोग आलान बांधते हैं उस टाइप से इसको करके आसानी से किया जा सकता तो इसमें खाद पानी की जरूरत क्या उतनी ही होती होगी? है। इसके लिए जो है जैविक, किसानों को हम सजेस्ट करेंगे कि इसमें जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट जो है वो अगर उसका उपयोग करें तो इसमें उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छा मिलेगा और इसमें विशेष प्रकार की किसी तरह की बीमारी भी ना के बराबर लगती है, तो आसानी से इसको खेती कर सकते हैं। जैविक खाद का प्रयोग करें, इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो इसी वेनिला का प्रयोग किया जाता है फ्लेवर बनाने के लिए। जी बिल्कुल, इसके ऐसी खेती अपने भारत में कहाँ कहाँ होती होगी सर? ये मोस्टली ये साउथ इंडिया में किया जाता है, लेकिन ये नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में भी पूर्वी नॉर्थ इंडिया में किया जा सकता है। तो पूर्णिया के किसान अगर करना चाहे वेनिला की खेती तो क्या कर सकते हैं यहाँ की जलवायु में? बिल्कुल, यहाँ की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है और इसको पोली हाउस में भी इसको आसानी से किया जा सकता है। परिचय बता दें। मेरा नाम दयानिधि चौबे, मौसम वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ पूर्णिया। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था सर कि ये अगर खेती करता है कोई किसान तो ये बेचने पर कितना मुनाफा होता होगा? हाँ, ये एक अहम नीति है आपका, काफ़ी इसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है और ये करीब 40 से 50 हज़ार रुपये KG ये इसकी मार्केट में बिकता है, और अगर उपज की बात करें तो ये 300 से 800 KG जो है प्रति हेक्टेयर इसका उपज है। उपज है तो इसमें काफ़ी फायदेमंद खेती रहेगा किसान के लिए, मुनाफा काफ़ी होगा।